नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भारत जैसे देश में महिलाओं की अहम भूमिका है। यहां केवल नवरात्रों में महिलाओं की पूजा नहीं की जाती, बल्कि चुनावों में भी महिलाओं का मुद्दा बनाया जाता है। अब आप चाहे इसे तंज समझे या व्यंग, मगर सच्चाई यही है। आज महिलाएं चुनावों का अहम हिस्सा हो गई हैं, चाहे उनको मुद्दा बनाया जाना हो या फिर उनको मैदान में उतारा जाना हो। हर तरह से चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, वहीं सबसे कम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसद की। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी अगले 5 साल तक महिलाओं की भागीदारी संसद में काफी कम रहने वाली है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस बार पिछली बार से भी कम महिलाएं संसद में दिखेंगी, जिसके पीछे का कारण क्या है और वो कौन सी महिलाएं हैं जिनकी आवाज संसद में आने वाले दिनों में बुलंद होगी, ये सब जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार कम महिलाएं संसद पहुंचेंगी। महिला आरक्षण बिल 2023 में भले ही पास हो गया हो, लेकिन महिलाओं के लिए संसद तक की लड़ाई अभी लंबी है। इस बार संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2019 लोकसभा के मुकाबले भी कम है। इसकी सीधी वजह यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कम महिला उम्मीदवार जीती हैं। जैसे 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस साल केवल 30 महिलाएं ही लोकसभा पहुंच रही हैं। पिछले आम चुनावों में 78 महिलाएं जीत कर लोकसभा पहुंची थी। 2019 लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 193 देशों में रिप्रेजेंटेशन के मामले में 142वें स्थान पर था। इस बार ये और बुरा होने जा रहा है। 17वीं लोकसभा में लगभग 15% महिलाएं हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में औसतन 9% महिलाएं ही हैं। बता दें कि आरक्षण लागू होने के बाद 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इन आम चुनावों में कांग्रेस की कुमारी शैलजा, भाजपा की कंगना रनौत और हेमा मालिनी, बीजेपी की दिग्गज नेता दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और लालू यादव की बेटी आरजेडी की मीसा भारती जैसी महिला उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंच रही हैं। जबकि अमेठी से सांसद रही स्मृति रानी और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी इस बार हार गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे, अगर संसद में महिला आरक्षण बिल लागू भी हो गया तो महिलाओं की सीटों को कैसे आरक्षित रखा जा सकेगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार आम चुनावों में पिछले किसी भी बार के लोकसभा चुनावों के मुकाबले ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ रही थी। इस बार कुल 797 महिलाएं मैदान में थी, फिर भी संसद में केवल 30 महिलाएं दिखेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि महिला आरक्षण विधेयक को कैसे सही से लागू किया जाएगा, क्योंकि कानून लागू होने के बाद भी सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि कैसे इन सीटों को भरा जाए। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में जन प्रतिनिधित्व के लिए उतरे, तभी जीत का रास्ता तय करने का पहला कदम पूरा होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।